दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉर अवर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक प्रोसेस के बारे में जो आपके शरीर को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि वो बीमारियों को ही खा जाए। तो इसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं, 2-3 पेपर्स के नाम मैंने सामने भी दिए हैं। लोग रिसर्च कर रहे हैं, पेपर पब्लिश कर रहे हैं और ये लिंक देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ब्रेन की या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस और भी कई सारी बीमारियों को, डायबिटीज जैसी बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हम बात करें दोस्तों ऑटोफेगी के बारे में। ऑटोफेगी का मतलब होता है ऑटो मीन्स खुद से, और फेगी मीन्स खा जाना, तो खुद से ही अपने शरीर की सेल्स को खा जाना। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर एक सेल के अंदर एक ऑर्गेन होता है जिसको ऑर्गेनेल होता है, जिसको लाइसोसोम कहते हैं। और जब कोई सेल खराब होने लगती है, इससे काम नहीं करती है, तो ये लाइसोसोम उसको खा जाता है। लेकिन अगर आपके बॉडी के फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रोसेस ठीक से एक्टिवेटेड नहीं है, तो फिर ये फंक्शन नहीं काम करता है और फिर आपको दूसरी बड़ी बीमारियां होने लगती हैं। इस पे एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी की थी, रिसर्च की थी। जापान के एक साइंटिस्ट हैं, ओशिनोरी उनका नाम है। उन्होंने 1990 में इस पे बहुत लंबा एक्सटेंसिव काम किया कि किस तरीके से ऑटोफेगी आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ने में मदद करती है और किस तरीके से आप ऑटोफेगी को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए 2016 में उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि ऑटोफेगी के फायदे क्या क्या होते हैं, किस तरीके से क्या क्या काम करने के बाद इनको आप एक्टिवेट करके रख सकते हैं और किस प्रकार से ये आपकी मदद करता है बहुत सारी बड़ी बीमारियों से लड़ने में। तो आइए शुरुआत करते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो होता है सेलुलर हेल्थ। सेल आपके शरीर का एक यूनिट होता है, अगर वो हेल्दी है तो आपका पूरा शरीर हेल्दी होगा। और अगर सेल्स बीमार होती हैं, और देखिए जो कैंसर होता है वो भी सेल्स के बीमारी के कारण ही होता है, तो अगर ये लाइसोसोम ठीक से काम कर रहा है तो आपकी सेल्स की हेल्थ बनी रहती है। तो ऑटोफेगी जो है वो आपकी सेल्स की हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा होता है, क्योंकि सेल्स अगर हेल्दी है तो आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है वो धीमा होता है और आपको लॉन्गेविटी देता है, आपकी जो उम्र है उसको बढ़ाने में मदद करता है और आप कम उम्र के दिखते हैं। जो तीसरा इसका बड़ा फायदा होता है वो होता है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगेन, क्योंकि आपकी सेल्स अगर हेल्दी है, अगर वो ठीक से काम कर रही हैं और ये खराब सेल्स को अगर ये खा जाता है ऑटोफेगी के थ्रू, तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटीबॉडीज अच्छे से पैदा होते हैं और आप बहुत सारी इन्फेक्टिव वायरल या बैक्टीरियल या फंगल बीमारियों से अपने आप को बचा के रखते हैं, आपका शरीर खुद ही उन बीमारियों को खा जाता है। चौथा होता है मेटाबॉलिक हेल्थ। आपके ओवरऑल शरीर के जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है उसको ये इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जैसे इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होती है और डायबिटीज जैसी बीमारी के बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। इवन आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं ऑटोफेगी के जरिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑटोफेगी एक्टिवेट करेंगे जो आपको डायबिटीज में भी मदद करेगा। उसके अलावा जो कैंसर की बीमारी है, कैंसर के प्रिवेंशन में इसकी मदद मिलती है। हालांकि देखिए, अगर शुरुआती दिनों में अगर आपको कैंसर होता है और आपका ऑटोफेगी ठीक से काम करे और आप वो एक्टिविटीज या वो एक्टिवेशन आप कर लेते हैं, तो आप कैंसर की बीमारी को भी मात दे सकते हैं। हाँ, अगर ये देखिए फैल जाता है, दूसरी तीसरी चौथी स्टेज में पहुंच गया है, तो फिर मुश्किल होता है, फिर ऑटोफेगी का वहाँ पर कोई रोल नहीं बचेगा, फिर आपको दूसरे इलाज कराने पड़ेंगे। और जो लास्ट बेनिफिट है इसका, वो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे पार्किंसंस की बीमारी होती है या अल्जाइमर्स की बीमारी होती है, आप इस प्रोसेस को एक्टिवेट करके इसको भी ठीक कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हमने इसके फायदों की बात कर ली, अब बात करते हैं कि इसको एक्टिवेट कैसे करें, वो कौन से तरीके हैं कि ऑटोफेगी का प्रोसेस आपका बैलेंस आपके शरीर में चलता रहे। उसमें देखिए, सबसे पहला होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरीके से की जा सकती है और जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो 16:8 का माना जाता है, यानी कि 16 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना है। पानी आप पी सकते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ भी ना खाएं 16 घंटे की विंडो में, और जो बाकी 8 घंटे बचते हैं उसमें आप जो मन करे वो खाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वहाँ पे भी ओवर ईटिंग ना करें। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उस समय जितनी देर आप भूखे रहते हैं, आपके जो सेल्स हैं वो रिजर्व फूड को खाने के बजाय उन सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं जो गंदी सेल्स हैं, खराब सेल्स हैं, जिनको शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए, जो बीमारी का कारण बन सकती है। उसके अलावा अगर आप लो कैलोरी डाइट लेते हैं, यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट अगर डाइट लेते हैं, आप ध्यान रखें कि आपकी डाइट में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, वहाँ पे मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम हो, तो आप कैलोरीज लें लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ना लें। और थोड़ी लो कैलोरी डाइट अगर आप लेंगे, फ्राइड फूड्स वगैरह अगर नहीं खाएंगे, बाहर का फूड नहीं खाएंगे, और आप ऐसे भोजन करेंगे जो जीवित हैं, हरी सब्जी अगर आप ज़्यादा खाएंगे, अनाज ज़्यादा खाएंगे, साबुत अनाज ज़्यादा खाएंगे, तब भी ऑटोफेगी का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ग्रीन टी बहुत फायदेमंद होता है।
आपकी ऑटोफेजी के प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए। ग्रीन टी में कुछ पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो इसको तेज करते हैं इस प्रोसेस को और आपकी हेल्प करते हैं इवन बीमारी से लड़ने में। उसके अलावा इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम EGCG के नाम से जानते हैं, यानी एपीगैलोकैथेसिन गैलेट नाम का जो प्रोडक्ट होता है ये ऑटोफेजी के प्रोसेस को बढ़ाता है। तो ग्रीन टी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। उसके अलावा हल्दी, हल्दी का भोजन देखिए आप भोजन में इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर आप हल्दी को दवाई की तरह से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है कर्क्यूमिन ये भी बहुत तेजी से ऑटोफेजी के प्रोसेस को बढ़ाता है, डेड सेल्स को मारने में मदद करता है और हेल्दी सेल्स को प्रिवेंट करता है। आप रोजाना थोड़ा हल्दी पाउडर, साबुत हल्दी पाउडर आप खुद से बनाए घर में, बाहर का ना ले, इसको एक गिलास पानी में घोल के रख दें और उसको छान लें और उसको आप रोज पी लें, लगातार कुछ दिन पीने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। और कुछ ऐसे फल जैसे पीनट्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए या कुछ ऐसे सिट्रस फ्रूट्स जिनके अंदर रेजवेराटोल नाम का एक सब्सटेंस होता है, ये बहुत प्रमोट करता है खासतौर से ऑटोफेजी के प्रोसेस को और जो खराब सेल्स हैं उनको खाने में मदद करता है आपकी नॉर्मल सेल्स के द्वारा, जिससे आपका एजिंग घटने लगती है, जिससे आपको हेल्दी स्किन पे ग्लो आने लगता है और आपका ओवरऑल शरीर जो है वो पूरी तरीके से ठीक से मेटाबॉलिक उसका अच्छा काम करने लगता है। तीसरा तरीका हो सकता है एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ब्लड फ्लो आपका ठीक से होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं, आपके शरीर में कैलोरीज कम इकट्ठा होती हैं तभी ऑटोफेजी का प्रोसेस ज़्यादा काम करता है। तो अगर आप तीनों तरीके को आप करते हैं, आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, डाइट भी आप अगर अच्छी लेते हैं और आप अगर एक्सरसाइज भी करते हैं रेगुलर, तो फिर आपका ऑटोफेजी का प्रोसेस काफ़ी तेजी से काम करता है और आपको बहुत सारी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है जो आपको नींद लाने में सहायक होता है वो भी बहुत फायदेमंद होता है इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, ऑटोफेजी के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तब भी आपके शरीर में ऑटोफेजी का प्रोसेस एक्टिवेट होता है। तो ये तो हमने जान लिया कि किस तरीके से आप इसके प्रोसेस को एक्टिवेट करके रख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये क्या इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर ये प्रोसेस तेज काम करने लगे, या किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। देखिए अगर ओवर कुछ भी होगा तो नुकसान होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग उतनी कर लें कि आपको न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो जाए तो वो कम है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ ऐसे लोग देखिए जैसे बूढ़े लोग हैं जिनके अंदर भी डिफिशेंसीज हैं, उनको ऑटोफेजी वाले प्रोसेस को एक्टिवेट करने से बचना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं क्योंकि उनको फीटस को भी भोजन देना है तो उनको लंबे आवर्स तक भूखे रहने से बचना चाहिए। या ऐसे कुछ कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स हैं जिनको उस तरह की बीमारियां हैं कि उन बहुत देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं, या ऐसे जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा की बीमारी होती है जहाँ पे मरीज खाने से ही डरता है, इस तरह के लोगों को इस प्रोसेस को एक्टिवेट करने से बचना चाहिए। बाकी हेल्दी लोग या ऐसे लोग जिनको बीमारी होने का खतरा है उसको बिना किसी डर के अपना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा और मुझे भरोसा है कि आपने जरूर इससे कुछ सीखा होगा। तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लें सो दैट अधिकतर लोगों को इसका फायदा मिले। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।